मैं नहीं आऊंगी। उत्तम ब्लडी हेल, गो टू हेल, गो टू हेल। छोटी छोटी बातों को लेकर यू ट्राई टू ब्लैकमेल मी। 21वीं सदी, व्हाट डू यू ट्राई टू बी अ लिटिल ब्रॉड माइंडेड? यू रिग्रेट, पछताओगे तुम। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। गो बैक टू इंडिया, गेट लॉस्ट। मैडम, रघु साहब ने कहा है कि आप अपने घर वापस इंडिया चली जाइए। उनके पिताजी भी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। चलिए। He's all right. जान को तो कोई खतरा नहीं है, मगर मगर क्या? वो शादीशुदा है? हाँ? बच्चे हैं? अभी तक तो नहीं। I'm sorry to say, Mr. Bajaj, कि वो एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ तो बिता सकते हैं, मगर वो कभी बाप नहीं बन सकते। I'm sorry. तुम्हें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। बेटी, तेरे डैडी ठीक कह रहे हैं। लड़की की डोली जिस घर में एक बार जाती है, वहाँ से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। क्या मामा? एक तो दीदी वैसे ही परेशान है और आप हैं। चुप रहो पिकी। तुम्हारी दीदी को तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो इस तरह वापस नहीं चली आती। बड़ी बेटी के ऐसे लक्षण देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? बेटी, लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे वापस जाना ही पड़ेगा बेटी। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है और उस घर की भी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझी? समझ गई। हर घर की इज्जत लड़की के हाथ में है, लेकिन लड़की की कोई इज्जत नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये जायदाद, और रघु के बाद कोई वारिस ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बहू जो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? ऑफ कोर्स, मैंने ही उसका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया था। उसकी रिपोर्ट तो भेजी थी, आपको मिली नहीं? कहाँ है वैदेही? नजर नहीं आ रही। वैदेही को फोन किया? नहीं तो क्यों नहीं किया? क्यों करूं? वो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसे खबर नहीं करोगे? छोड़ो डैड, जिसे मेरी परवाह नहीं, वो मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानकर क्या करेगी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहो, बस उसे फोन कर दो। No, Dad. हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका है। I don't care for her anymore. She's a big pain, Dad. बेटे, वो इस घर की बहू है, उसके बारे में इस तरह मत कहो। फौरन फोन करो। Come on, Dad. Give me a break. वैसे ही इस घर में नहीं आएगी, that's final. अगर आपको बहू ही चाहिए तो मैं 10 बहुएं ला दूंगा। तुम 10 बहुएं ला सकते हो, लेकिन एक वारिस नहीं, जो सिर्फ वैदे ही दे सकती है। I'm sorry, बेटे, ये बात मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बेटे, अभी अभी मुझे पता चला है कि वैदेही प्रेग्नेंट है, उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम उसे यहां बुला लो, ताकि हमारा वंश खत्म होने से बच जाए। बेटे, एक बार उसे बच्चा हो जाने दो, हमें हमारी औलाद मिल जाए, फिर अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने तो उसे तलाक दे देना, दूसरी शादी कर लेना, जैसे चाहे जियो, कौन रोकेगा? और अगर हमारे बच्चे को लेकर वो ज्यादा शोर मचाए तो यहां ऐसे लोग भी हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। सॉरी, आई फॉरगॉट माय डायरी।
हेलो, कौन? हाँ हाँ रघु बेटा, हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ हाँ वैदेही है ना, यही है, अभी बुलाता हूँ, एक मिनट। वैदेही, वैदेही, रघु का फोन है, आओ। हेलो, हेलो वैदेही, वैदेही मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, बहुत नाराज। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, उसकी सजा भगवान ने मुझे दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? आप ठीक तो हैं? हाँ जिंदा हूँ, बचाऊ तो सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से। मिस यू वैदेही, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक सून। आती हूँ कल। कल? हाँ कल, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। मेरे मुंबई के ऑफिस का मैनेजर तुम्हें यहाँ ले आएगा। प्लीज कम वैदेही। ओके, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। There's no one here to look after me. Please come. I love you. I love you too. Who are you? Hello, Francis here. Francis. Yes, sir. कल फखरुद्दीन के साथ वैदेही को यहाँ भेजो। सर फखरुद्दीन इडियट है और इससे पहले उसने कभी विदेश का सफर नहीं किया सर। उसे भेजो, अगर फखरुद्दीन रहेगा तो उसका दिल बहला रहेगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। Right, sir. समझ गए ना? No mistakes. Okay, sir. Good. अरे चुप, क्या मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ? पहली बार जा रहा हूँ, वो भी अमेरिका। खुशी से रुख सकते रहो ना, रो रही। क्या हुआ? अमेरिका तक का इतना लंबा सफर तुम अकेले कैसे तय करेंगे? अरे इतना लंबा सफर पैदल नहीं जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ। हजरत चुप करो, चुप कराओ भाई। अरे मेरी सलमा आ गए, इतना ओवर एक्टिंग को करो, चुप चुप बोल रहा मैं। बेटा फखरू, मेरी एक नसीहत याद रख जी, कभी औरत का दिल न को दुखा, औरत की बद्दुआ में बहुत असर होता बेटे। अच्छा माँ, अच्छा फिक्र न करो, मैं आता हूँ। मेरे रसगुल्ले, मेरे दूध पेड़े, मेरे गुलाब जामुन। खाला प्लेन छुट जाएंगे खाली, आने के बाद मिठाई की दुकान खोल तो तुम्हारे लिए। फिक्र रखो, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बेटी, ये देवी माँ का सिंदूर है, रघु से भरवा लेना। बेटी सुखी रहे बेटी। एक बात याद रखना बेटा, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा घर है, ये नहीं। आ बेटा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ये न्यूयॉर्क के चेक इन काउंटर कहाँ सर? न्यूयॉर्क चेक इन काउंटर, न्यूयॉर्क चेक इन काउंटर। क्या प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? पहले रेलवे में थे लगते ही। चलो सलाम अलैकुम, अमेरिका 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 अमेरिका। अरे वैदेही तुम कहाँ हो, कहाँ से बोल रही हो? मैं एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से। न्यूयॉर्क आ रही हो ना? नहीं नहीं अभी यहाँ मत आना। क्या, क्यों? जो हमने तुम्हारा टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट पॉजिटिव है और तुम माँ बनने वाली हो। आपने रघु को बताया? हाँ, यही बात तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखो वैदेही, एक्सीडेंट के बाद ये पता चल चुका है कि रघु अब कभी बाप नहीं बन सकता। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो यहाँ बुला रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँ डॉक्टर? मेरी सलाह मानो तो अभी यहाँ मत आओ, वहाँ किसी अच्छे वकील से बात करो, फिर कोई कदम उठाओ। बाय। बहुत से बात होगी मैडम। थैंक यू। चले मैडम, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। भाभी जान, मेरे को मुबारकबाद दो भाभी जान, मैं जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉडी कार्ड देख रहा हूँ, अब मेरे को अमेरिका जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं जा सकती। नहीं मैडम,
हमें अभी चलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कम ऑन प्लीज। नहीं, मैं बाद में चले जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी जान, आप आराम करो, मैं जाके रघु साहब को बोल देता हूँ। फखरो खामोश रहो यार तुम, मैं जा ही रहा हूँ ना, बॉस को समझा देता हूँ। फखरो तुम मैडम के साथ जाओगे, और मैडम चलिए बॉस का ऑर्डर है, फ्लाइट में डॉक्टर का भी इंतजाम हो जाएगा, चलिए। I'll take care. चलिए बाथरूम होके आती हूँ। श्योर, अच्छा अच्छा श्योर, जाइए जाइए। फखरो तुम व्हील चेयर ले आओ, व्हील चेयर फास्ट। बच्चा मेरा है, इसमें मेरा हक है, मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, हर किस नहीं दूंगी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है, जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। शादी के बाद पति का घर लड़की का घर होता है, तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। हेलो फ्रांसिस, क्या वैदेही ने प्लान बोर्ड किया? नहीं सर, वो क्यों नहीं? मैडम ने तो आपसे बात की ना सर? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने किसी से तो बात की सर, फिर अचानक वो कहने लगी उनकी तबीयत खराब हो गई है, दो रोज बाद जाऊंगी। हालांकि मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानने तैयार नहीं सर। कहाँ है वो? सर वो टॉयलेट में है, और मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। Go and check the toilet. सर वो लेडीज टॉयलेट है। Go and check immediately. I'll do that, sir. हाँ, चलो भाई आ जाओ बैठो, चलो। फखरो ये मेरे लिए नहीं है, लेडीज टॉयलेट जाओ। देखो तो मेरे सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को टॉयलेट कब जाना बताने की जरूरत नहीं है। लेडीज पे क्यों जाना, मैं जेंट्स पे जाता हूँ। फखरू लेडीज टॉयलेट में जाके सिर्फ ये देखना है मैडम वहाँ है या नहीं है। कम ऑन, चलो यार, कम ऑन। हेलो भाभी जान। मैडम भाभी जान, चलो भाई ट्रक जाने दो। यार भाभी ने मुसीबत खड़ी कर दी, बॉस के फोन पे फोन चले रहे, समझ में नहीं आ रहा। भाभी का छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से फिसल के गिर गया ना मैं, कितना लगा मेरे को। एक मिनट, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा है? औरत क्या यार, भाभी जान बोलो ना यार, आपने हमारी भाभी जान को जाते हुए देखा है? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। फखरो भाई साहब, आपने यहाँ से किसी औरत को नीली साड़ी में जाते हुए देखा है यहाँ पर? नहीं तो किसी गाड़ी को जाते हुए देखा है? अभी अभी हमारी ट्रकें नागपुर गई हैं। संतरे की? नहीं जी। ओ संतरे की ट्रक तो वहां से आती है। फोन फोन बॉस। यस सर। वैदेही कहाँ है, फोन दो से। वो सर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। What the hell are you talking? सर संतरे का पता, मेरा मतलब है हम भाभी जान का पीछा करते हुए कार्गो सेक्शन तक तो आ चुके हैं, लेकिन पता चला ऐसे कुछ ट्रक्स नागपुर की तरफ रवाना हुई हैं, शायद वो किसी ट्रक में बैठ के चली गई होंगी। फॉलो हर फ्रांसिस, तुम फॉलो नागपुर जाओ, पता लगाओ। आई वॉन्ट यू टू फाइंड हर फॉर मी, मैं आ रहा हूं इंडिया। ओके सर। क्या बोल रहे हैं फखरू? हाँ अभी हमें नागपुर चलना पड़ेगा। तो तुम जाओ ना, फिर मैं न्यूयॉर्क जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फखरो फॉलो मी। अरे नागपुर कैसे जाएंगे, 26 घंटे का रास्ता यार, न्यूयॉर्क 16 घंटे का। मैं जाके आता हूँ ना फखरो। नागपुर कानपुर जाने के बाद नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं। फखरो आता हूँ। तन्हा तन्हा लम्हा लम्हा छोटा पीछे कारवां, कौन डगर